हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हियर आई प्रेजेंट सम एमसीक्यूज़ मैं चाहती हूँ कि पहले इन्हें आप सॉल्व करके देखें उसके बाद मैं इनका आंसर आपको डिक्लेयर करूँगी ओके okay, आई होप यू आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपके आंसर सारे सही होंगे ओके स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑर्डर रिएक्शन की रेट है ऑप्शन हैं इट इज डिपेंडेड टू कंसल्टेशन बी इनडिपेंडेंट टू कंसल्टेशन सी डिपेंड ऑन डी नन ऑफ द नफ यानी कि पहला डिपेंड करती है कंसलटेशन पे बी है इनडिपेंडेंट होती है कंसलटेशन पे सी डिपेंड करती है बची हुई कंसनट्रेशन पे एट पर्टिकुलर टाइम टी एंड डी इनमें से कोई नहीं तो अगर आपको याद होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बात की थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू कंसनट्रेशन यानी कि जो रिएक्शन रेट है वो की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इंडिपेंडेंट टू कंसनट्रेशन क्वेश्चन सेकेंड है बिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डिग्रेडेशन इनमें से कौन सी मैकेनिज्म सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है केमिकली डिग्रेड करने के लिए ऑप्शन हैं ऑक्सीडेशन फोटोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस एंड डिकॉबोक्सीन तो अगर अपना ऑप्शन की बात करें तो बाकी तीन ऑप्शन हैं जो फोटोलाइसिस ऑक्सीडेशन एंड डी ये कंटेनर से या सिस्टम इन्वायरमेंटल सिस्टम के थ्रू हैं यानी कि लाइट ऑक्सीडेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेल हाइड्रोलाइसिस एक पर्टिकुलर ऐसा डिग्रेडेशन है जो सिस्टम के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट हुआ तो वाटर हाइड्रोजन का लाइसिस कर सकता है तो ऑप्शन क्या होगा डी हाइड्रोलाइसिस ऑप्शन थ्री है क्वेश्चन थ्री है शेल्फ लाइफ प्रिडिक्टिंग इज इन तीनों इक्वेशन में से शेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज की जाती है पहला ऑप्शन है एच एच इक्वेशन सेकेंड है हिग्जॉन क्रेल सी है अरेनियस एंड डी है ऑल ऑफ द अबाव अगर अपन एच एच इक्वेशन की बात करें तो ये काम आती है बफर्स के लिए बफर के अंदर पीएच एस्टिमेट करने के लिए हिग्जॉन क्रोवल की बात करें तो हिग्जॉन क्रोवल के अंदर पर्टिकुलर टाइम टी पर कंसंट्रेशन निकालने के लिए इक्वेशन काम आती है अरहेनियस इक्वेशन सेल्फ सेल्फ्राइप को प्रेक्ट करने के काम आती है और ऑल ऑफ द वाव तो आंसर क्या होगा अरहेनियस इक्वेशन फोर्थ है एस टेम्परेचर इंक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इज ऑब्वियस है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग क्या होगा बढ़ेगा आंसर होगा ए इंक्रीज फिर है क्वेश्चन नंबर फाइव फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिग्रेडेशन इनमें कौन कौन सा प्लॉट क्रिएट होता है ऑप्शन है प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस लॉग टाइम और नन ऑफ द बॉ अगर पहले के ऑप्शन की बात करें प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम तो ये अपने को पता है कि ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसका क्या था प्लॉट ऑफ लॉक कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ बन रहा था ऑन अ स्ट्रेट लाइन तो ऑप्शन हो क्या होगा आंसर क्या होगा बी प्लॉट ऑफ लॉक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिप्रेजेंट इनमें से फर्स्ट ऑर्डर का की हाफ लाइफ कौन रिप्रेजेंट करता है अपने को पता है कि जब फॉर्मूला आपने निकाला था तो आंसर आ रहा था अपना जीरो पॉइंट होगा बी जीरो क्वेश्चन इज द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन यानी कि जो रेट कॉन्स्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है तो अगर आप फॉर्मूले को याद करेंगे तो डिपेंड कर रहा था किस पे टेम्परेचर पे तो आंसर होगा इसका सी टेम्परेचर क्वेश्चन से कौन से हाइड्रोलाइज डिग्रेडेशन होता है तो अगर आपको डिग्रेडेशन बताया था ड्रग्स का वहां पर क्लोरोकोल एम्पीलिन और माइटोमाइसिन तीनों की तीनों हाइड्रोलाइसिस डिग्रेडेशन के अंदर आ रही थी तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अब नाइन्थ क्वेश्चन इज रेट कांस्टेंट यूनिट इन जीरो ऑर्डर इज रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के अंदर तो अगर आपने को याद है तो अपन पढ़ी थी इट इज कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम अब कंसेंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम को अपन मोलर पर लीटर डॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं या फिर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं यानी कि तीनों ही चीजें सही हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव लास्ट और टेंथ क्वेश्चन इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज Least two. अगर हम सब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करें या फिर ये कहते हैं इन्वर्जन करें तो क्या बनेगा तो अगर आपने इन्वर्ट शुगर पढ़ा है तो आपका पता होगा कि सिक्रोल सुक्रोज का इन्वर्जन करने पे क्या बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आंसर होगा इसका बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आई होप आपके सारे के सारे आंसर सही होंगे लेट्स चेक द आंसर यू कैन टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस आंसर चलो अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं कोई कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना होगा तो इलेवंथ क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ड्रग कंटेन 500 हंड्रेड यूनिट पर एमएल वेन प्रिपेयर एनालिस्ड आफ्टर फोर्टीन डेज फाउंड थ्री यूनिट पर एम यानी कि एक ड्रग सॉल्यूशन था उसके अंदर शुरू में पाँच यूनिट पर एम प्रिपेयर किया गया था बट जब उसको चालीस दिन बाद देखा तब वो तीन यूनिट बचा यानी कि यहाँ सीधा ही पता चल रहा है क्या हुआ इनिशियल कंसनट्रेशन इज फाइव एंड आफ्टर टाइम टी इट गेट कन्वर्टेड इन टू यूनिट पर एम तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो व्हाट टाइम विल बी द ड्रग हैव टू है ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम से वन हाफ आवर्स ओरिजिनल कंसनट्रेशन ये कब हो जाएगी ऑप्शन की बात करें 50 डेज 11 डेज 70 डेज एंड 54.3 फोर पॉइंट थ्री डेज़ कैलकुलेटर की बात करें तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना होगा इसका कॉन्स्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टाइम लॉग इनिशियल कंसल्टे अपॉन कंसल्टे एट टाइम टी तो डेज फोर्टी इनिशियल कंसल्टे फाइव हंड्रेड एंड एट टाइम कंसल्टे इज थ्री हंड्रेड कैलकुलेट किया तो अपने पास आ गया जीरो पॉइंट जीरो वन टू एट अब अगर अपने को हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ़ लाइफ निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी कि टू फिफ्टी जब अपने सबको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा फिफ्टी फोर पॉइंट थ्री डेज यानी कि इसका आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ एथाइल एसिटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द मिक्सचर वेयर जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो 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 मोलर द चेंज इन कंसल्टेशन एक्स ऑफ एल्कलाई ड्यूरिंग ट्वेंटी मिनट्स वाज जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव सिक्स मोल्स पर लीटर यू हैव टू फाइंड द रेट कॉन्स्टेंट एंड हाफ लाइफ यानी कि इनिशियल कंसल्टेशन बता दी कंसल्टेशन एंड टाइम टी बता दी तो अगर अपन कंसल्टेशन एंड टाइम टी निकालें तो ए माइनस एक्स करके अपन यहाँ ही देख लेते हैं ए को अपन नेक्स से माइनस कर दिया तो अपने पास आ गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर थ्री फोर अब रेट कॉन्स्टेंट निकालना है तो अगेन रिएक्शन ऑर्डर की फॉलो करें सेकेंड ऑर्डर की तो फॉर्मूला क्या होगा वन अपॉइंट एटी एक्स ए माइनस एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी और टी की वैल्यू पुट कर दी अपने पास जो भी वैल्यूज आई उसे अपन ने टी हाफ की वैल्यू में पुट किया और अपने पास आंसर आएगा डी सिक्स पॉइंट फिफ्टी टू एंड फिफ्टीन पॉइंट थ्री मिनट यानी कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन कौन सी है अगर अपन चार इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स इक्व टू के टी ये कौन सी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी बी की बात करें लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी ये कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर सी इज सेकेंड ऑर्डर एंड डी इज थर्ड ऑर्डर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन है तो आंसर होगा बी लॉग

अपॉन मोलर कॉन्सेंटेशन को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा के और के कॉन्स्टेंट को अपन टी हाफ के फार्मूले में पुट कर देंगे फार्मूला क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के अपना आंसर क्या आएगा थ्री फोर्थ सेवन सेकेंड्स आंसर होगा इसका डी आई होप आपके चारों के चारों आंसर सही होंगे हियर आर द आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं I hope you understand and enjoy the video. Please Like, Share and Subscribe. Thank you.